hello guys welcome back this is raj kamal uh, today i am going to discuss the topic uh, ac and polyphase uh, ac and polyphase system uh, and i hope it will be last lecture of ac and polyphase and uh, it consists of question number फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी टू वन सिक्स फाइव तो टोटल एक से एक सौ पैंसठ क्वेश्चन थे जिसमें एक uh, सौ उनचास तक हमने डिस्कस करा है और uh, अब एक सौ पचास से लेकर एक सौ पैंसठ तक यानी फिफ्टीन क्वेश्चन को अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ आई होप कि ये जो क्वेश्चन होंगे लेक्चर्स uh, होंगे सीरीज ये लेक्चर जो होंगे सिक्स लेक्चर होंगे सिर्फ किसके लिए ए और पोली के लिए सिक्स लेक्चर होंगे एसी और पोली फेज के लिए बाकी और भी लेक्चर हैं टोटल तो बहुत सारे लेक्चर हैं लेकिन एसी और पोली फेज का ये आखिरी वीडियो होगा इसके बाद हम जल्दी ही ट्रांसफॉर्मर मोटर्स पे जाएंगे ओके okay गाइज तो बिना टाइम को अपने खत्म किए हुए आगे को डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी क्या डिस्कस कह रहा है कह रहा है क्वेश्चन कि एसी के के मान तथा एसी के शिखर मान में क्या संबंध है तो आप जानते हैं मान क्या होता है एवरेज वैल्यू और शिखर मान क्या है वीएम तो आप दोनों में रिलेशन अगर देखना है तो क्या होता है अगर मैं इसका रिलेशन एक न, न, निकालूं जैसे आई से आंसर में है तो आई एवरेज शिखर मान का क्या होता है टू आई एम बाय पाए ये फुल रेक्टिफायर के लिए होते हैं रेक्टिफाइड आउटपुट के लिए एसी के, के केस में तो हम कहते हैं यही में वी एम अगर वी एवरेज के निकालते हैं इसी में तो क्या होता है टू वी एम बाय पाए तो आप देखिए इसका रिलेशन क्या है जहाँ पे आई नॉट को यहाँ पे क्या माना होगा क्योंकि आई एम तो दिखा नहीं है तो आई एम को क्या आई नॉट को क्या माना होगा आई एम तो यानी हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा सी टू आई एम नॉट बाई पाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परिपथ में धारा का माप चार एम्पियर है तो उस धारा का अधिकतम परिमाण क्या होगा तो देखिए ए सी परिपथ में धारा का माप चार है इतना एम्पियर है तो उस परि धारा के अधिकतम तात्कालिक परिमाण होंगे तो आपको पता है ए सी का जो नॉर्मल मान होता है धारा के लिए बात की गई है तो वो क्या होता है आर एम एस में आई आर एम एस कितना है फोर एम्पियर लेकिन आई पीक पूछ रहा है तो क्या होता है रूट टू इन टू फोर क्योंकि आप परिपथ में देखें परिपथ का ये मैक्सिमम करेंट का मैक्सिमम मान क्या है ये आर एम एस तो इससे कम ही होता है तो जब आई एम निकालना होगा तो इसको गुना रू टू से करना पड़ता है ओके तो इसमें राइट आंसर क्या होगा ये ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन फिफ्टी टू वन फिफ्टी टू में क्या कह रहा है चूंकि मैं क्या किया इसमें आ, फ्लैट मोड में कर दिया कई बार डिस्टरबेंस आ जाते हैं कॉल आ जाते हैं ना वन फिफ्टी टू एक चौक और कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के डैश के लिए किया जाता है तो चोक जो कुंडली होती है उसको करंट को रेगुलेट करते हैं ए परिपथ में मान लीजिए कोई चोक है एसी सी सर ये है हमारा ट्यूबलाइट आपको पता है ट्यूबलाइट में यहाँ जो होते हैं हमारे क्या होते हैं स्टार्टर लेकिन दूसरा सर्किट में यहाँ पे क्या होता है चौक और यहाँ पर क्या होता है ए सप्लाई के वायर तो यहाँ देखिए इसके सीरीज में लगे होते हैं ना इसके सीरीज में लगे होते हैं ये चौक और ए सी के हमेशा ये जो है काम करेगा आपका फ्लोरेशन ट्यूब है ना वो हमेशा किस में होता है एसी में तो चौक भी सीरीज में लगे होते हैं और ए सी के लिए सिर्फ होते हैं तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ए नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन ए सी परिपथ में औसत शक्ति व्यक्त होती है तो औसत एवरेज पावर कभी भी पी एवरेज या पी एक्टिव पावर हम निकालते हैं वी आई कॉसफाई जहाँ पे वी जो है लिखा हुआ ये आर एम एस में होता है आई वी क्या होता है आर एम एस में होता है इन टू कॉस फाइ क्योंकि हम जानते हैं एवरेज पावर ही कैलकुलेट होते हैं किसी रजिस्ट्रीव सर्किट के लिए और प्योर इंडक्टिव या किसी और के पावर जब भी निकालते हैं तो उसका पावर क्या होता है जीरो उसका एवरेज पावर क्या होता है जीरो चाहे इंडक्टर हो या फिर कैप्सिटर क्यों क्योंकि एवरेज पावर का निकालोगे फार्मूला तो कॉस फाइ तो कॉस फाइव में क्या होगा रेजिस्टेंस में तो फाइव कमान जीरो डिग्री होता है ना लेकिन जब प्योर इंडक्टर की बात आप करेंगे जब प्योर इंडक्टर की बात करेंगे एल की या सी की तो यहाँ पे फाइव मान क्या होता है प्योर शुद्ध के लिए नाइन्टी डिग्री यहाँ भी फाइव मान प्योर कैपेसिटर के लिए क्या होता है नाइन्टी डिग्री तो अब जब पी एवरेज निकालेंगे शुद्ध इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा वी आई कॉस फाइव तो क्या हो जाएगा पावर जीरो एवरेज पावर हमेशा इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट के लिए क्या होता है जीरो तो हम रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम मान है ना रेजिस्टिव सर्किट में औसत शक्ति हमेशा व्यव होती है नेक्स्ट है एसी परिपथ की औसत शक्ति होती है तो यही देखिए वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव हमारा राइट आंसर क्या होगा यही औसत औसत शक्ति के एवरेज पावर बोलते हैं पी एवरेज है ना इसी का और नाम क्या है पी एक्टिव इसी का और नाम क्या है पी रियल सॉरी इसी का और नाम क्या है पी रियल ये सब पावर एक ही है जो कहता है वी आई कॉज फाइव औसत मान तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन फाइव फाइव ए सी शुद्ध ए में आरएमएस मान तथा शिखर मान का अनुपात क्या होगा तो मान लीजिए हम यहाँ पे कांस्टेंट मान आई वी मान के चलता हूँ वी आरएमएस एम का मैं क्या जानता हूँ वी एम रूट टू उसके बाद वी एम तो है ही अब इन दोनों का अनुपात पूछा गया है तो आर ये मैक्सिमम का मान पूछा गया तो क्या हो गया इसको मैक्सिमम से सिपाही कर दे देंगे तो ये ये कैंसिल आउट तो क्या हो गया एक बट्टा रूट टू यानी राइट आंसर क्या होगा हमारा बी वन फाइव फाइव के बाद क्वेश्चन का डिस्कशन में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है एक एसी समीकरण का ये है इक्वेशन ये तो हमारा क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन किसी वेव का आयोजिकल टू फिफ्टी साइन हंड्रेड टी है तो धारा की आवृत्ति होगी तो आप ही देखें या, क्या होगा ये देखें ये जो साइन रिप्रेजेंट करता है ये जो वेव यही वेव का नाम है क्या आईकल टू फिफ्टी साइन हंड्रेड टी अब देखिए फिफ्टी क्या है इसका मैक्सिमम वैल्यू है और ओमेगा का मान ओमेगा टी जो होते हैं साइन के साथ लगे होते हैं तो ओमेगा क्या है टी को अगर हम हटा दें तो ओमेगा ओमेगा का मान यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको हंड्रेड तो ओमेगा का तो हंड्रेड है मान लेकिन इसकी आवृत्ति पूछा है तो आवृत्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा के बराबर आप जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है टू पाए एफ ओमेगा तो एफ बराबर क्या तो हम जानते हैं ओमेगा बराबर तो हंड्रेड हमने अभी लिया ही इससे इससे हंड्रेड निकाला उमेगा टी जो छोड़ दिया हंड्रेड निकाला हंड्रेड बाय टू पाए तो टू टू से कैंसिल और तो पचास बटा पाए क्या बच गया पचास बटअपाई यानी राइट आंसर क्या होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी जैवक्रिय सप्लाई यानी एसी सप्लाई जिसका चरम मान यानी मैक्सिमम मान पीक मान कितना हंड्रेड वोल्ट आरएमएस क्या होगा आप ही बताइए ये कोई एसी वेव है उसका मैक्सिमम वोल्टेज है कितना वीआरएम मैक्सिमम वीएम बराबर है हंड्रेड वोल्ट तो बताइए इसका आरएमएस कितना होगा तो ये लाइन होता है वीआरएमएस इसका मान कितना होगा 100 बटा जिसका चरम मान कितना है 100 तो आरएमएस मान कितना होगा 100 बटा √2 तो, तो राइट आंसर क्या होगा हंड्रेड बाय रूट टू यानी ये वैल्यू हमारा आर एम एस का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी शुद्ध तो यानी इंडक्टर में प्योर इंडक्टर शुद्ध प्रेरक्त मतलब प्योर इंडक्टर का औसत शक्ति वेव होता है हमेशा क्या होता है अब औसत शक्ति निकालेंगे प्योर इंडक्टर में तो क्या होगा वी आई और हम जानते हैं कॉस फाइव यानी फाइव का मान फेज एंगल प्योर इंडक्टर में फेज एंगल कितना होता है कितने डिग्री से 90 तो कॉस फाइव का, का मान क्या होगा कॉस 90 कॉस 90 का मतलब मान क्या होगा जीरो यानी टोटल एवरेज पावर औसत पावर क्या होगा जीरो तो राइट आंसर हमारे क्या होंगे डी शुद्ध जीरो है ना नेक्स्ट है निम्न चित्र में सत्य कथन क्या है तो देखिए आप चित्र क्या दिया हुआ ए से और ऐसे आप ही सच बताएं यहाँ पे एक कंडक्टर एक करंट है आई वन ये करंट है आई टू तो इन तीनों ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है मान लीजिए वाई एक्सिस है ये माइनस एक्स एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है तो हमेशा इधर की ओर जब चलेंगे तो वो लीडिंग एक्सिस होगा तो यानी ये जो होगा वाई एक्सिस ये लीड कर रहा है एक्स क्या कर रहा है like. लैग तो हम बोलेंगे यहाँ देखिए ये इससे आई वन से ये वाला एक्सिस आई टू कितना लीड कर रहा है नाइन्टी से तो आई वन से आई टू कितना लीड कर रहा है नाइन्टी आई वन धारा आई टू से नाइन्टी लीड कर रहा है आई वन आई टू से नहीं ये नहीं है दूसरा कह रहा धारा आई टू आई वन से लीड कर रहा है धारा आई टू आई थ्री से लाइन कितना यहाँ इस ग्राफ में कितना है एग्जैक्ट नाइन्टी डिग्री तो यहाँ नाइन्टी डिग्री बताया नहीं लाइन लीड कर रहा है बोला है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बी क्योंकि ये धारा ऊपर की ओर जो भी होगी ये लीड कर रहा होता है ये नाइन्टी से अभी ग्राफ में जो गिवन है सम कौन है तो यानी नाइन्टी डिग्री से लीड कर रहा है आई टू किस से आई वन से तो वन फिफ्टी नाइन का हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्सटी वन सिक्सटी क्या कह रहा है क्वेश्चन वन सिक्सटी सॉरी वन सिक्सटी ओके ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कोई वोल्टेज थोड़ा देखने में धुंधलापन है इस क्वेश्चन को आप समझिए क्या बोला वोल्टेज जिसका बारह साइन इन उसके एंगल में जो है एट हंड्रेड पाई टी प्लस फेज एंगल ये है इन टू वी ये क्या है वोल्टेज का साइन है uh, इसका इकाई है uh, का आवर्तकाल क्या होगा तो आप देखें जब ऐसे इक्वेशन होगा जिसके साइन के साथ साइन के साथ 800 हंड्रेड पाए प्लस जीरो पॉइंट वन टू फाइव पाए ये दिया हो तो हम हमेशा किसको देखेंगे ये तो पाए के साथ टी वी है ना तो प्लस ये दिया हुआ है तो ये क्या है इसमें कोई टाइम नहीं है तो यानी फेज एंगल ये ये क्या है फेज एंगल लेकिन टाइम जिसके साथ था वही ओमेगा टी होगा यानी ओमेगा इंटू टी जब हम कंपेरिजन करेंगे साइन वाले एंगल से तो साइन क्या होगा ओमेगा इंटू टी तो ओमेगा का मान यहाँ पर कितना दिख रहा एट हंड्रेड ती टी टी तो कॉमन है तो ओमेगा कमान हमने निकाला एट हंड्रेड पाए अब आपसे पूछा गया है क्या कि फ्रीक्वेंसी निकाले तो हमने ओमेगा कमान तो पहले लिख लेना है कि कितना है इसमें एट हंड्रेड सॉरी एट हंड्रेड ओमेगा कमान जो हमने निकाला एट हंड्रेड पाए अब है हमारा कि एफ तो फ्रीक्वेंसी जब निकालना है इसमें तो पहले फ्रीक्वेंसी नहीं आवर्तकाल निकाला है तो आवर्तकाल का फॉर्मूला हम अगर लगाते हैं तो क्या होगा ओमेगा फॉर्मूला अवर्तकाल का ओमेगा एज्कल टू टू पाई एफ ओमेगा एज्कल टू टू पाई एफ तो अगर हमको ओमेगा पता है है ना तो एफ क्या निकल जाएगा ओमेगा ओमेगा का मतलब क्या है एट हंड्रेड पाए डिवाइडेड बाय टू पाए ये तो एफ बताएगा एफ निकालने के बाद टी निकाल लेंगे टी इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पै कैंसिल आउट बचा कितना चार सौ तो अब एफ निकल गया तो हमको पता है टी आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है यानी चार सौ तो जीरो पॉइंट टू फाइव गुना टेन टू द पावर माइनस टू यानी इसका कितना मतलब हो गया जीरो पॉइंट टू फाइव गुना टेन टू पावर माइनस टू क्या आ गया जीरो पॉइंट टू फाइव क्रॉस टेंट पावर माइनस टू अगर इसको और देखें तो इसको क्या लिख सकता हूँ क्या आ, मिली में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ देखिए जीरो पॉइंट टू फाइव टेंट पावर माइनस टू का मतलब है दो ज़ीरो एक यहाँ पे आया फिर एक जीरो यहाँ पे आया यानी ये भी कैंसिल आउट ये भी कैंसिल आउट मेन रहा ये यानी हमारा कितना हो गया अगर मैं इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा टू पॉइंट फाइव मिली सेकेंड ये हमारा होगा क्या राइट आंसर टू पॉइंट फाइव मिली सेकेंड टू पॉइंट फाइव एक जीरो जीरो यहाँ जीरो यहाँ तो एक जीरो यहाँ तो हमारा क्या हो जाएगा टू पॉइंट फाइव मिली सेकेंड आप भी चेक करें यही आंसर होना चाहिए हो तो ये तो नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो हमारा राइट आंसर सी वाला होना चाहिए पर सी में भी लिया हुआ है मिली सेकेंड में भी इसने क्या किया है जीरो पॉइंट जीरो इतना दे दिया है ना लेकिन आप मिली सेकेंड में आप कन्वर्ट अगर करते हैं तो देखिए आई होप कि यही कैलकुलेशन हो क्या है एक बार फिर आप चेक कर लें क्योंकि हमारा जो टी का टी का मान आ रहा है वन बाय एफ वन एफ करेक्ट करके देखते हैं ओमेगा का मान होता है ऐसे फैलू डायरेक्ट टू पाई बाय टी तो टी का बराबर क्या होगा टू पाई डिवाइडेड बाय एट हंड्रेड पाई पाई, पाई, पाई कैंसिल आउट चार से यह आया चार दुनिया आठ वन वर्टेड फोर हंड्रेड यानी जीरो पॉइंट टू फाइव गुना टेन टू पावर माइनस टू वही वैल्यू आ रहा है फिर तो यानी इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा आ, जीरो पॉइंट एक और पहले जीरो लेता हूँ तो टेन द पावर क्या हो जाएगा आ, इसको टू पॉइंट फाइव अगर करता हूँ तो टेंट पावर फाइव क्या हो जाएगा माइनस थ्री यानी आंसर एग्जैक्ट में कितना होना चाहिए टू पॉइंट फाइव मिली सेकेंड ये हमारा राइट आंसर होगा तो ये भी सी भी इसका गलत है यहाँ पर सी आंसर क्या होना चाहिए जीरो सॉरी टू पॉइंट फाइव मिली सेकेंड ये हमारा राइट आंसर होगा टाइम पीरियड के लिए आवर्तकाल के लिए ओके गाइस वन सिक्सटी नेक्स्ट है शक्ति यानी पावर फैक्टर सफ तुल्य किसका है आपको पता है कि जब हमारा इम्पीडेंस एंगल है ना इम्पीडेंस एंगल कैसा था जेड उसके बाद था यहाँ पे आर और ये क्या था एक्स तो ऐसे ही एडमिटेंस एंगल होता है एडमिटेंस एंगल क्या है ये देखें इसी के प्रोपोर्शनल में पैरलल के लिए होते हैं यहाँ पर ये यह होंगे हमारा y का उल्टा z x का उल्टा बी ससप्टेंस आर का उल्टा कंडक्टेंस तो ये ट्रायंगल बनते हैं पैरेलल कंडीशन के लिए तो यहाँ पे वाई बराबर क्या हो जाता है आपका जी प्लस जे बी ये कंडीशन होते हैं पैरेलल के लिए एडमिटेंस ये कहलाता है एडमिटेंस ट्रायंगल ये कहलाता है क्या एडमिटेंस ट्राइंगल तो यहाँ भी क्या कंडीशन होगा तो यहाँ पावर फैक्टर अगर पैल कंडीशन निकालते हैं तो वहाँ पे आप नॉर्मल जो ये ट्राइंगल होता है जेड वाला ट्राइंगल यानी हम कहते हैं इम्पडेंस ट्रैंगल इसका जब पावर फैक्टर आप निकालते हैं तो क्या होता है ये फाई अगर होता है ये तो आर वाटा जेड लेकिन कोई ऐसा ट्राइंगल दे जो यहाँ पर आपको वाई दे यहाँ पे सब सब बी दे और यहाँ पे क्या दे जी दे तो यहाँ कोई बोलेगा आपको कॉस फाई निकालिए पेलेल कंडीशन के लिए क्या होगा जी बट वाई ओके गाइस तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी जी बाय वाई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 सिक्सटी टू एक जैव क्रिय तरंग यानी ए सी का शिखर से शिखर मान चार सौ वोल्ट है धारा का आर एम एस यानि वर्ग माध्य मूल यानी इसको बोलते हैं आर एम एस मान क्या होगा तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्या बोला गया है मैक्सिमम टू मैक्सिमम शिखर से शिखर यानी यहां से यहां का वोल्टेज कितना दिया रखा है इसने 400 यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 400 सौ और हमको जानते हैं सिर्फ इसी ऊंचाई का पिक लेते हैं तो यह क्या होगा इसका आधा हो जाएगा तो यानी यहां पर क्या होगा इसका मैक्सिमम 200 यानी इस वेब का अगर मैक्सिमम बोलू पिक टू पिक बोला है पिक टू पिक मतलब ये से यहां तक लेकिन सिर्फ इस यहां से यहां तक की दूरी अगर बोला जाए तो सिर्फ कितना होगा आधा हो जाएगा दो वोल्ट ठीक है अब इसका आर क्या होगा तो जिसका दो सौ आर होगा उसका आर एम एस वी आर कितना होगा दो डिवाइडेड बाय रूट टू तो हमारा राइट right आंसर क्या होगा ए कॉन्फ्यूजन क्लियर करें क्वेश्चन को बार बार पढ़ें फिर क्लियर होगा ये चीज़ें है ना कोई दिक्कत नहीं है इसका आपका राइट right आंसर वही होगा आप बार बार इसको पढ़ें क्वेश्चन देखें एकाएक नहीं करना कि डिवाइड 400 में दे देना है रूट टू से क्योंकि यहाँ पिक टू पिक शिखर से शिखर बोला और हम लेते हैं हमेशा किसी ग्राफ का क्या ये इस पॉइंट से मैक्सिमम जो बोलते हैं इस पॉइंट से इसको बोलते हैं ना नीचे का नहीं लेते हैं हम हमेशा इस पॉइंट से देखते हैं ऊपर कितना गया वही हमारा मैक्सिमम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्न में से किसकी आवृत्ति आवर्तकाल से कम होगा देखिए हमको फॉर्मूला पता है कि आवर, आवर्तकाल इसमें कम होगा तो आवृत्ति और इसका फ्रिक्वेंसी से रिलेशन क्या होता है देखें टाइम पीरियड से जिसकी फ्रिक्वेंसी जितना ज़्यादा आवर्त काल उतना ही क्या होगा कम क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं रिलेशन अब देखिए फ्रिक्वेंसी किसका ज़्यादा है दो सौ मेगावाट हड्स है दस क्योंकि सबसे बड़ा क्या है दो सौ मेगा हट्स है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा सी दो सौ मेगा हर्ड्स ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन सिक्स फोर ए सी पर में पैदा होती है देखिए एसी परिपथ के लिए कोई भी सर्किट में ले लेता हूँ एक मान लीजिए आर एल सर्किट ये तो आपको पता है ये है हमारा कॉम्प्लेक्स पावर या अपेरेंस पावर और यहाँ जो पावर मिलते हैं दो पावर मिलते हैं एक होते हैं ट्रू पावर और एक होते हैं रिएक्टिव पावर क्यू आर एक होता है रिएक्टिव पावर एक होता है ट्रू पावर या रियल पावर या एवरेज पावर और यह सप्लाई पावर तो हमेशा ये एस जो है वो बड़ा ही होगा किसी एक रियल पावर से पी रियल पावर से एस हमेशा बड़ा होगा रिएक्टिव पावर से है ना तो ये ध्यान हमेशा होनी चाहिए क्योंकि ये सप्लाई जो देगा वो बाकी इन दोनों में कंजम्सन ही होगा बहुत होगा तो एस बराबर हो जाएगा रियल पावर के बहुत बराबर होगा तो एस बराबर हो जाएगा रिएक्टिव पावर के या फिर दोनों का सम वेक्टर सम होगा इस एस के तो एस हमेशा बड़ा होता है है ना तो यहाँ पर क्या होगा एपरेंट्स पावर एक्चुअल पावर से बड़ा होगा एपरेंट्स पावर एक्चुअल पावर से बड़ा होगा तो ये हो सकता है एक और ऑप्शन देख लेते हैं क्या करा रिएक्टिव पावर अपरेंट पावर से बड़ा होगा ये कभी नहीं होगा ये हमारा गलत है एक्चुअल पावर रिएक्टिव पावर से बड़ा है ये कंडीशन है एकदम जरूरी नहीं है कि वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते इसको हम राइट नहीं मान सकते रिएक्टिव पावर एक्चुअल पावर से बड़ा हो ये भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, सकते, सकते जरूरी नहीं है लेकिन अपरेंट्स पावर एक्चुअल पावर से हमेशा बड़ा होगा या अपरेंट्स पावर रिएक्टिव पावर से हमेशा बड़ा हो है यानी राइट आंसर क्या होगा ए क्योंकि हम जानते हैं एस बराबर क्या होता है रियल पावर पी रियल प्लस रिएक्टिव पावर जे के साथ है ना ये भी ट्राइंगल रूल को फॉलो करता है आप ही देखें यहाँ पे अगर एस है यहाँ पर अगर पी रिय रियल पावर है और यहाँ पे क्यूब है तो आपको पता है हाइपोटेनियस अगर जहाँ पे एस है ये हमेशा इन दोनों से क्या होगा बड़ा ही होता है कभी भी जैसे ट्राइंगल आप पढ़ते हैं ओके गाइस तो ये वन सिक्स फोर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी परिपथ का पावर फैक्टर शून्य होता है किस परिपथ का होता है शून्य पावर फैक्टर जिस परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच कितने का डिग्री गैप हो नाइन्टी डिग्री का क्योंकि हम जानते हैं कॉस नाइन्टी ही क्या होता है जीरो और कॉस नाइन्टी जीरो क्या होता है प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर में होता है तो इन दोनों कंडीशन में पावर फैक्टर का मान जीरो इसलिए इसका औसत पावर भी जीरो होते हैं है ना तो हमारे किसी का होगा इंडक्टेंस कैपेसिटेंस दोनों लेकिन डी ऑप्शन में दोनों लिखा है बी और सी तो राइट आंसर क्या होगा डी ओके गाइस तो ये क्वेश्चन है जल्दी ही क्वेश्चन में आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर या फिर आ, मोटर या फिर जेनरेटर इनमें से कोई टॉपिक उठाऊंगा और जल्दी कैलकुले इसको सॉल्व करूंगा कोशिश करता हूं कि आपके एग्जाम से पहले सारे का डिस्कशन मैं यहां पे अपलोड कर दूं ओके गाइस हैव हैवे नाइस डे और आपको भी कोई जरूरत ऐसा लगता हो तो उस चीज़ को आप कमेंट कर सकते हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम हैवे नाइस डे थैंक यू फॉर वॉचिंग अस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट